के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिल्ली यूपी समेत उत्तर मध्य भारत में शीतलहर की चेतावनी, इन राज्यों में बारिश के हैं आसार। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद वहां से आ रही हवाओं ने उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ा दी है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अलावा MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी तापमान में कमी आई है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं आज दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में यहाँ पर दर्ज की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री कम यानी 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि सापेक्ष आर्द्रता जो है वो 87 से 63 के बीच यहाँ पर रही है। वही मौसम विभाग के मुताबिक मौसम विभाग ने आज मध्यम से यहाँ पर कुछ इलाकों में मध्यम स्तर का जो कोहरा है वो छाए रहने का अनुमान जताया है। वही न्यूनतम और अधिकतम तापमान जो है दिल्ली में आज 6 और 24 के बीच रहने के आसार जताए गए है। वही मौसमी सिस्टम की बात करें तो निम्न दबाव का एक क्षेत्र जो है अभी बंगाल की खाड़ी की ओर से सटे हिंद महासागर के मध्य भागों पर स्थित है। वह संबंधित चक्रवात परिसंचरण जो है, जो संबंधित चक्रवाती परिसंचरण है, मध्य सुबह मंडल का स्तर तक यहाँ पर फैला हुआ है। इसके यहाँ पर पश्चिम की ओर बढ़ने से अगले 24 घंटों के दौरान अपनी तीव्रता बनाए रखने की संभावना है। वही पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ इलाकों में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वही एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर हुई है। वही विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान में काफी यहाँ पर न्यूनतम तापमान काफी ऊंचा रहा है। वही हिमाचल प्रदेश और सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ स्थानों पर यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक रहा। वही पंजाब और त्रिपुरा में भी एक दो स्थानों पर घना से कुछ इलाकों में बहुत घना कोहरा यहाँ पर छाया रहा। वही मौसम विभाग की जो यहाँ पर मौसम की जो एजेंसी है स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण हिस्सों में एक दो स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। वही दक्षिण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी हल्की बारिश हो सकती है। तीव्रता धीरे धीरे से बारिश की बढ़ेगी। वही आज से 22 तारीख तक तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वही आंध्र प्रदेश में 22 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। वही केरला यानी केरल में भी कल यानी 21 दिसंबर से यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। वही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और कुछ इलाकों में हरियाणा के कुछ इलाकों में कनक गन्ना जो कोहरा है वो छाया रह सकता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाके और हरियाणा के कुछ इलाकों में और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है यानी शीतलहर की स्थिति रहेगी। वही मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान इन इलाकों में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। पंजाब और राजस्थान का उत्तरी इलाका और इसके अलावा हरियाणा का कुछ इलाका और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर की जो चेतावनी है वो जारी की है। बात अब करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में 7 दिन बाद कई इलाकों में पड़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का अलर्ट किया है जारी। उत्तर भारत में इस वक्त आधे से ज्यादा राज्यों में सर्दी की दस्तक हो चुकी है, लेकिन वही राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का इंतजार अभी भी यहां पर करना होगा। वही अगर मौसम विशेषज्ञों की माने तो महीने के आखिरी सप्ताह में यहाँ पर उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे राजस्थान के अंदर बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की संभावना है। बता दें आपको कि अगर ये सिस्टम सक्रिय होता है तो उसका असर मैदानी इलाकों में होगा, जिससे बारिश यहाँ पर हो सकती है, जिससे उत्तर भारत के कई राज्यों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और MP, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने के आसार है। वही इस कारण इसका नुकसान जो है रबी की फसलों को देखने में यहाँ पर उठाना पड़ सकता है, रबी फसल बोने वाले किसानों को उठाना पड़ सकता है। राजस्थान में कल आसमान साफ रहा और सुबह से यहाँ पर धूप निकली हुई थी। प्रदेश के कई इलाकों में कोटा बूंदी और सीकर, अजमेर, चूरू में बीती रात जो न्यूनतम तापमान से मामूली बढ़ोतरी हुई है, वही कल सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर में ही दर्ज किया गया है। 3 डिग्री के आसपास ये दर्ज किया गया है। वह चूरू में आज लगातार 7वें दिन भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रहा है। वही हिल स्टेशन माउंट आबू की बात करें तो
माउंट आबू में इस सीजन में यहाँ पर सर्दी थोड़ी कमजोर रही है। अमूमन इस समय जो तापमान है वो 3 डिग्री के आसपास बना हुआ है, यानी न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास अभी यहाँ पर बना हुआ है। 3 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान चल रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में शीतलहर चलने के आसार है। फिलहाल एक दिन यहाँ पर उत्तर राजस्थान कुछ इलाकों में ये यहाँ पर स्थिति रह सकती है। राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट की। तो आखिर एमपी का मौसम क्या कहता है, तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में लगातार कई इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी इलाकों में सर्द हवा चली, जिसके कारण एमपी में भी जो यहाँ पर मौसम बदल रहा है। वही मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण कई इलाकों में बारिश भी से यहाँ पर दिनों हुई थी। अब तूफान का असर कम होने से बादल चढ़ने लगे हैं, तो वही गलन बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक एमपी में तापमान में लगातार गिरावट हो सकती है। वही छत्तीसगढ़ में काफी ठंड में इजाफा देखने को मिलेगा। वह राजधानी भोपाल में ठंडी हवाओं का जो है खासा असर वो देखने को मिल रहा है। रात के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। वही मौसम विभाग की माने तो अभी प्रदेश में कोई सिस्टम सक्रिय नहीं है और मौसम में भी यहाँ पर नमी नहीं है, इसी कारण अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी। वही छत्तीसगढ़ की बात करते हो, छत्तीसगढ़ में जहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर जो पेड़ा रोड है, पेड़ा रोड यहाँ से लेकर करवदा तक इलाकों में तापमान 6 से 7 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वही कबीरधाम जो नगर है, कबीरधाम जिला है, इसमें सबसे कम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सीआरजे छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। जबकि जसपुर में 6.6 और कोरिया में 6.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तापमान जो है छत्तीसगढ़ में भी अभी कई इलाकों में गिरने लगा है। वही एमपी के बाद अब यूपी लेके चलते हैं आपको, छत्तीसगढ़ के बाद अब यूपी लेके चलते हैं। यूपी का आखिर मौसम क्या कहता है, तो बता दें आपको कि यूपी में भी कई इलाकों में तापमान में जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। कई इलाकों में तापमान में अभी जबरदस्त गिरावट मिल रही यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही हाड़ का पानी देने वाली ठंडी जो है वो भी यूपी में शुरू होने लग गई है। वही लगातार यहाँ पर कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। दरअसल घने कोहरे और धुंध के चादर के बीच पूरे उत्तर भारत में यहाँ पर जो चादर है वो छाई हुई है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कल से यहाँ पर विजिबिलिटी खासी कम देखी गई है। वही मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया। वही लखनऊ की बात करें तो लखनऊ सुबह इतना घना कोहरा यहाँ पर था कि यहाँ पर इतना घना कोहरा था कि कुछ ही मीटर पर देखना मुश्किल था। और तापमान में अचानक गिरावट भी यहाँ पर आई और बढ़ती ठंड के बीच अलाव लोगों ने यहाँ पर जलाना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद समेत कई इलाकों में घना कोहरा कल छाया रहा।